एसपी ने भी अखिलेश यादव की लगाई क्लास। बीजेपी के बाद बसपा ने भी सपा को घेरा। अयोध्या कांड में लगातार गर्मा रही सियासत। अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में समाजवादी पार्टी लगातार घिरती जा रही है। अब तक अखिलेश यादव सिर्फ बीजेपी के निशाने पर थे, लेकिन अब बसपा ने भी घेरना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताया है। देखिए, मैं जब उनके घर गया था तो उनकी माँ भी कह रहे थे कि मुझे लोग दबाव बना रहे हैं। तो हमने कहा दबाव से आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको न्याय मिलेगा। और फिर मैं वहाँ से निकलकर सीधे हॉस्पिटल गया था, तो हॉस्पिटल में जो मीडिया के लोगों ने मुझसे बात किया, उसमें मीडिया के लोग ये कह रहे थे कि समाजवादी के लोग जो है, कुछ लोग रात में आए थे समझौते के लिए, दबाव बना रहे थे। तो हमने कहा भाई, ये जानकारी मुझे तो नहीं है, लेकिन अगर आपके द्वारा जानकारी मिल रही थी, गलत है। इस तरह के जो मुलजिम है उनके साथ किसी दल को नहीं खड़ा होना चाहिए। और जहां तक डीएनए की बात है, ये तो साफ है कि जो पीड़िता है वो हॉस्टल में भर्ती है, और वो खुलेआम जब बयान दे रही है, पीड़िता का जो बयान आ रहा है, तो उसके बयान के बाद फिर डीएनए की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इस तरह समाजवादी कह रहे हैं तो निश्चित है मुलजिमों को बचाने की एक साजिश कर रही है। और जब इनकी गवर्नमेंट थी तो हमें नहीं लगता कि इन्होंने इस तरह की घटना में कहीं डीएनए की जांच कराई थी। और अगर वो पीड़िता जिंदा है, बयान दे रही है कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसमें डीएनए की जरूरत कहां पड़ गई। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने रविवार को आरोप लगाया कि अयोध्या में नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में डीएनए टेस्ट कराने की समाजवादी पार्टी की मांग आरोपियों को बचाने की साजिश है। पाल ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि डीएनए की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पीड़ित अस्पताल में भर्ती है और बयान दे रही है। अगर समाजवादी पार्टी डीएनए टेस्ट के लिए कह रही है, तो निश्चित रूप से आरोपियों को बचाने की साजिश रच रही है। जब सपा सरकार सत्ता में थी, तो हमें नहीं लगता कि उन्होंने ऐसी किसी घटना पर डीएनए टेस्ट किया था। पाल ने कहा, अयोध्या में बलात्कार मामले में पीड़ित की मां ने उन्हें बताया कि मामले के सिलसिले में उस पर दबाव बनाया जा रहा है। पाल ने आगे कहा कि जब मैं पीड़ित के घर गया, तो उसकी मां ने कहा कि लोग उस पर दबाव बना रहे हैं, इसीलिए उसके अंदर डर है और उसे न्याय न मिलने का डर सता रहा है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले मायावती ने भी अखिलेश यादव के डीएनए वाले बयान को लेकर उन्हें घेरा था। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, कुकृत के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है, उसका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो, उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो, तो सरकार के सम्मिलित अधिकारियों को भी बख्शा न जाए। यही न्याय की मांग है। जिसके बाद मायावती ने पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा था, यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन सपा द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए, जबकि सपा को ये बताना चाहिए कि उसकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। साथ ही यूपी में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था में भी, खासकर महिला सुरक्षा और उत्पीड़न आदि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या व लखनऊ आदि की घटनाएं अति दुखद और चिंतित करने वाली है। सरकार इसके निवारण के लिए जाति, बिरादरी एवं राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए तो बेहतर है। खैर, आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी मोहित खान और उसके नौकर राजू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके अवैध जमीनों पर भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1।